डॉक्टर वहां थे हमारे गाँव में। तो कुत्ता भी आ रखा है हमारे साथ, ये देखो ऐसे जंगलों में जा रहे हैं हम अभी। तो हेलो इंटरनेट, तो आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ। तो आपके प्यार और सपोर्ट से यार हमारे 10K सून है, तो काफ़ी अच्छा लगा यार आपका प्यार और सपोर्ट देखे, और कमेंट काफ़ी अच्छे आए थे, और कई लोग कह रहे थे कि यार स्क्रिप्टेड है स्क्रिप्टेड है, तो उनके भी जवाब जल्दी हम देंगे। एक Q&A रखा है हमने, जिसमें अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, और हम जितना हमको हो सकता है उतने अच्छे से उनको बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे क्या हुआ था हमारे साथ और कैसा हुआ था। मेरे साथ तो बहुत बुरा रहा, कुछ दिन तक मेरे को नींद नहीं आई। तो आज का व्लॉग यहीं से शुरुआत करते हैं, और सुबह के बज रहे हैं अच्छे, तो शॉर्ट शुरुआत। दोस्तों देख सकते हो हमारे पास एक भैंसा है जो कि सुबह सुबह खाना खा रही, अपना भोजन नाश्ता कर रही है। हेलो भैंसे, हेलो। तो और दो बकरियां भी, तीन बकरियां वैसे हमारे तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक तो बेचारा खा नहीं रहा है, तो दो बकरियां और एक बच्ची, ये दोनों खाना खा रहे हैं। तो गाइज आज के मौसम की बात करें तो आज मौसम साफ है, और कल रात भर बारिश थी, और यहाँ पे सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा है, देख सकते हो बाहर पे ही बन रहा है, अंदर पे काफ़ी गर्मी होती है ना, तो इसलिए बाहर पे बन रही है, रोटी बन रही है। देखो मैं हूँ खेत में अभी, और सुबह सुबह खेत में करनी है मुझे खुदाई, और देख सकते हो मम्मी भी यहाँ पे खेत में खोद रही है, और ये वाला खेत और वो वाला खेत, दोनों खेतों को खोदना है। तो दोस्तों मैं गया था अभी धर्मगढ़, फ़ोन पे चार्ज नहीं था, तो थोड़ा बहुत फ़ोन पे चार्ज करके आया, कल रात से लाइट नहीं थी, तो इसलिए फ़ोन चार्ज पे करने के लिए मैं धर्मगढ़ गया था। और ये है हमारा गांव सिमगढ़ी, देख सकते हो इतना अच्छा रहा व्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक पहाड़ी गीत आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, पहाड़ को डेडिकेट करते हुए। ऐ जा रे ऐ जा मेरा पहाड़ा, छजिलो माया लो तू ऐ जा मेरा पहाड़ा, काफल किरमोड़ा तू खै जा मेरा पहाड़ा, रंगीलो माया लो तू ऐ जा मेरा पहाड़ा। तो हम पहुँच चुके हैं जहाँ आज सगाई होने वाली है, तो अभी जो वर दूल्हे के तरफ से हैं वो लोग आ चुके हैं और अंदर बैठे हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल अभी हो रखा है देख सकते हो, और खाने की व्यवस्थाएँ वहाँ पे बना रखी हैं गरीबों के लिए, जो घर पे हैं मतलब उनके लिए वहाँ पे व्यवस्था बना रखी है खाने की। तो भाई ने मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दी आते आते, देख सकते हो, और यहाँ अंदर दिखाओ ना मैं आपको, तो यहाँ देखो ये देख सकते हो यहाँ पे पूरी और बन रही है, और भाभी लोग हैं यहाँ पे, और ये अभी हलवा बन रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो ये क्यों नॉन कॉम किम होना है, यहाँ पे देख सकते हो ये अम्मा का घर है, और यहाँ पे इन्होंने किम का पेड़ लगा रखा है, इसको पहाड़ी में किम कहते हैं वैसे तो, और देख सकते हो पक रखे हैं, काफी मीठे होते हैं। हिंदी में सहतू कहते हैं, सहतू, सहतू, अच्छा हिंदी में सहतू के पेड़, सहतू का पेड़ है, सहतू का फल उगे हैं, फल उग रखे हैं, देखो ये इतने मीठे मीठे होते हैं, अभी वो नहीं हो रहा बोल, पक रखे हैं ना, को को पकाने कोई कोई पक रखे हैं, कोई कोई, देख सकते हो ये है मॉडर्न मकान और ये है पुराना मकान। तो पहले पहाड़ों में ऐसे मकान हुआ करते थे, और अब ऐसे मकान हुआ करते हैं, ये देख सकते हो काफी अंतर है पहाड़ों के जो पुराने मकान और नए मॉडर्न मकान में। लगा रखे हैं यहाँ पे रसोई, वहाँ पे आमखड़ चटनी बन रही है, सब्जी दाल चावल दोनों चल रहा है, और पंडित जी यहाँ रसोई में हैं जो कि खाना बना रहे हैं आज, तो उनको आज शगुन के रूप में टीका लगाया जाएगा। तो अंदर सगाई का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और अंदर काफ़ी भीड़ है, शायद जगह नहीं है, दिखाते हैं आपको अंदर भी। तो दोस्तों सगाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो गाइस जो टीका लगाने का और जो इंगेजमेंट की रस्म होती है वो पूरी हो चुकी हैं, और वीडियो में आपने देखी है, अब है नाश्ता करने का टाइम और खाने का टाइम।
गाइस यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग दुल्हन के साथ फोटो खिंचाने में लगे पड़े हैं, देख सकते हो। और ये है आज की दुल्हन जिसका इंगेजमेंट था। खाने की रसोई लग चुकी है और लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो दोस्तों मैं खाना खा रहा हूँ और खाने में है देखो सब्जी, दाल, चावल और आमखड़ की चटनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्यवहार मना ना मालूम, ऐसे शर्माते हैं हमारे गांव में। देखिए ये हमारे गांव की लड़कियां हैं, काफी शर्माते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइज हमने खाना खा लिया और सब लोगों ने खाना खा लिया है। आज हम गांव के महिलाओं से आपसे आपको मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे। ये देख सकते हो ये हमारे चाची लोग हैं, कोई ताई लोग हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये काफी शर्मा रहे हैं कुछ लोग, तो देख सकते हो ये लोग हैं। और यहाँ पे चाची लोग भी हैं जो खाना खा के घर को जा रहे हैं। तो खाना खाने के बाद अब बर्तन वर्तन की सफाई करते हैं। तो पहाड़ के जो लोग होते हैं खुद गांव के लोग बर्तन वर्तन धोते हैं, तो देख सकते हो। तो आप जाने लग गए हैं ये लोग और सामान ऊपर पे पहुँचा रहे हैं, तो ये लोग जा रहे हैं। हम क्या है कोको कोला जैसा बोतल यार? अरे क्लीनर होता मोहल्ला क्लीनर। तो आई घर आ चुके हैं, घर आके बहन का बस्ता हार रहे हैं, भाई भी हार रहे हैं, तो और मम्मी भी यहीं पे। और मम्मी को बताएंगे हम आज, हमारे YouTube फैमिली ने इतना प्यार दिया है ना, इतना प्यार दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा। तो क्या कहने जाते हो आप मम्मी हमारे YouTube फैमिली मेंबरों को, सभी को? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। सबके बच्चे ऐसे फूले फले, हमें बहुत खुशी होगी। काफी अच्छे कमेंट आए हैं, बहुत तुम जियो तुम्हारी फैमिली, मतलब हाँ। बहुत से कमेंट आए ना, बहुत से लोगों के। हम भी ऐसे कमेंट दे रहे हैं, सबके बच्चों को ऐसे सुख समृद्धि बनाए रखे, सबको इसी तरह आगे बढ़ाए रखे, बढ़ाए रखे। हम चल पड़े हैं एक इतना हसीन वादियों के बीच में, दिखाते हैं आपको भी। लाइव नहीं चल रहे ना। यह है हमारा गांव सिमगढ़ी। सो गाइस ये है हमारे गांव से दूसरे गांव का व्यू, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहां पर आते हैं हम, कभी अपना मन उदास हो जाए या हम टेंशन में हो जाते हैं ना, तो यहीं पे बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती है। सभी दोस्त लोग, आजकल तो कोई नहीं रहा गाँव में, बहुत कम लोग रह चुके हैं गाँव में, तो यहीं पर आते हैं हम अपना बसेरा। अब हम जा रहे हैं घर से काफ़ी दूर, तो अब गर्मी का टाइम आ चुका है तो इसकी वजह से काफ़ी कम हो चुका है पानी, तो पानी लगाने जा रहे हैं हम। और हम आज दिखाएंगे कि पहाड़ों में कहाँ से आता है, कैसे पानी आता है उसके। तो यहाँ पर है टैंकी, पानी का चैम्बर, यहीं पे इकट्ठा होता है, फिर नीचे पाइपों में से हर घर सप्लाई होता है। हमारे दो तीन ही घर हैं जहाँ ये पानी जाता है, और ऊपर ले जाते हैं आपको। गाइस ये देखो इतना पानी आता है, और ये पानी ना पूरा क्या कहो तुम, बिस्लरी सोचो यार इसको, और इतना मीठा पानी और इतना अच्छा पानी आता है। ये देखो यहाँ से आता है, यहाँ से जाके जाके नीचे जाता है और चैम्बर में जाता है। देखो तो पूरे जंगल से आता है, यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी आता है, पूरा इकट्ठा हो गए ये ऐसे आता है। तो कुत्ता भी आ रखा है हमारे साथ, ये देखो ऐसे जंगलों में जा रहे हैं हम अभी। पानी यहाँ से आता है, देखो ये ऐसे आता है ना, ये जो ये पेड़ है ना इनकी जड़ों से आता है वैसे पानी, फिर यहाँ से टपकते टपकते ज्यादा होता है, फिर यहाँ जमा हो जाता है। भाई को पानी प्यास लगी है, और देखो पहाड़ी बंदे ना यार, पहाड़ी बंदे तभी स्ट्रोंग रहते हैं, ऐसे शुद्ध पानी पी गए। तो दोस्तों आग आग हमने जला ली है, पानी वानी हमने फिटिंग कर ली है, शायद घर पहुँचा नहीं पहुँचा पानी, वो बात की बात है। तो यहाँ पे मच्छर अच्छर काफी लग रहे हैं इसलिए आग जला रहे हैं। आज मैं कई साल बाद अपने पुराने यादगार दिन दोबारा से कर रहा हूँ। बचपन है यहाँ पे मैं काफी झूला झूला करता था, आज भी खेलूंगा।
अभी शाम का समय और हम जाने लग गए घर, और घर से काफ़ी दूर है, पानी वहाँ से ले जाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार दिखाएं। और आपको अगर हमारे पहाड़ की कल्चर और पहाड़ की वादियाँ अच्छी लगी तो फिर कमेंट करें अच्छा सा। तब तक के लिए और हम दोनों अच्छे लगे तो शेयर करें। थैंक यू गाइस।